पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा, आप इसे रिलीज कर दें, ये ऐसे आके रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, साउथ नॉर्थ के साथ हो जाएगा, सिंपल है। तो ये ऐसे ओरिएंट हो जाएगा। पर अगर तुम इसे घुमाओ तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, और तुम छोड़ोगे ये वापस आ जाएगा। तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, और वो वर्क डन स्टोर होगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए आप इसमें घुमाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करेंगे? टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बार मैग्नेट में एमवी साइन थीटा। आपने कहां से कहां घुमाया, मान लो थीटा वन से थीटा टू, करेक्शन कर लो, थीटा टू, एम बाहर आ गया। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या है? कॉस, माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर आ गया। तो एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, थीटा वन आगे थीटा टू पीछे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको प्लीज हाईलाइट कर लो या लिख लो अपने रजिस्टर में। इसमें एनसीईआरटी पे एक न्यूमेरिकल आएगा पक्का, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा कि टॉर्क वर्क डन का फॉर्मूला या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। और ये स्पेशल केस भी हमने किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर थीटा 90 हो और थीटा 2 थीटा हो तो आंसर क्या आता है? माइनस एम बी क्रॉस थीटा या माइनस एम क्रॉस बी। उसमें क्या आया था? पी क्रॉस सी, इसमें एम क्रॉस बी, सेम है।